सकल नेत्र पूरन समग्र विखय हंस मर जीवा निजय प्रसाद पावई। जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध खनवारा खन जग विखय प्रगटावई। जैसे बन विखय मलयागर सौदा कपूर सोत के सुबासी सुबास बिहसावई। तैसे गुरबानी विखय सगल पदार्थ है जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावई। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। मुंदाम संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करें विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। मुंदा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हों की पावन पवित्र हजूरी इन्हों विशेष दीवाना प्रोग्रामा दे विच हाजरियां भर के लड़ीवर जपजी साहिब की जो विचार अर्थ भाव उन्हां दे नाल सांझ पाउण वास्ते असी पातशाह की पावन हजूरी दे विच जुड़ बैठे हैं। जो सतगुरु पातशाह सानूं मुबारक समा बख्शिश करते हैं इस मुबारक समय को सफला करने वास्ते एक तो असी जपजी साहिब के जोड़े अर्थ विचार हैं अर्थ भाव हैं उन्होंने सांझ पाते हैं तो नाल सवाल जवाब जो भी साढ़े मन में सवाल हैं इस पौड़ी बाबत ओ असी पातशाह की हजूरी के बैठ सांझ पाते हैं। गुरबाणी की रोशनी के उन्होंने सवालों का हल लभण की कोशिश करते हैं। सो जिथे अज असी जपजी साहिब की जे व्याख्या सांझ पानी है उत्थे नाल नाल सवाल जवाब भी सांझ पाने हैं। जिमें सत्कारयोग भाई साहब जी उन्होंने जिक्र भी किया है बेनती की है कि जपजी साहिब के जड़े गुटका साहिब हैं सामने पड़े हुए हैं जिन्होंने नाल नाल जपजी साहिब के दर्शन करने हैं पौड़ी के दर्शन करने हैं वह इतों जपजी साहिब के गुटके ले सकते हैं। 27 पौड़ियों की विचार संपूर्ण हो चुकी है। पौड़ी नंबर 28 जिसका पाठ हमने आप सब सरवण कर रहे थे। इस पावन पौड़ी दे विच सतगुरु पातशाह ने सीधा जोगियों के नाल कोई विचार चर्चा की है डिस्कशन हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच सिद्ध गोष्ट नाम की बाणी भी है तो सिद्ध गोष्ट ऐसी बाणी है जिदे विच सिद्धां दे सवाल हैं तो गुरु नानक पातशाह के जवाब हैं। तो जदों ये पौड़ियाँ या सिद्ध गोष्ट की बाणी पढ़ते हैं तो मन दे विच एक ख्याल आता है सतगुरु पातशाह ने सानू कितना बड़ा एक गुण दे देता जदों भी किसी बंदे दे नाल गल करनी है किसी नाल डिस्कशन करनी है गलबात करन दा साडा तरीका की होवे
सिद्ध गोष्ठ की जो असं बाणी पढ़ते हाँ पहला सिद्धा वालों सवाल पूछा जा रहा है तो सतगुरु पातशाह उस सवाल का जवाब देंगे हैं बड़े ठरमे बड़ी शांति बड़े धीरज नाल सवाल जवाब हो रहे हैं पर अज के समय में जो देखते हैं कि दो मनुख जो आपस में बैठते हैं विचार वटांदरा गलबात डिस्कशन चलती है उस डिस्कशन दे विच एक बंदा अपने विचार दूसरे मनुख ते थोपना चाहता है जो मैं कह रहा यही 100% सच है जो तुम कह रहे हो गलत है दूजे की गल नू सुनिया ही नहीं जाता सिर्फ अपनी गल सुनाई जाती है अपनी गल थोपी जाती है तो सतगुरु पातशाह इहो जे आर्ग्यूमेंट का इहो जे झगड़े का गुरबाणी के खंडन करते हैं पातशाह ने फरमाया संत मिले किछ सुनिया कही है जदों कोई गुरमुख व्यक्ति मिल जाए तो उहदे नाल विचार वटांदरा डिस्कशन करनी चाहिए है कोई भले की गल निकलती है तो जदों कोई असंत व्यक्ति मिल जाए जिहड़ा झगड़ा कलेश खड़ा करना चाहे तो ऐसे मनुख नाल विचार चर्चा करन दा लाभ की है उसने तुहाडी गल सुननी नहीं उसने अपने विचार तुहाडे ते थोपण की कोशिश करनी है मिले असंत जे कोई असंत व्यक्ति कोई झगड़ा कलेश खड़ा करने वाला व्यक्ति मिल जाए मिस्ट कर रही है तो उते चुप कर जाना चाहिए है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रह रही है संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले झक मारी पातशाह ने फरमाया कहते मूर्ख दे नाल गल करनी तो मानो झक मारन वाली गल है क्योंकि बिचों नतीजा कुछ नहीं निकलना रिजल्ट कुछ नहीं है सो सिद्ध गोष्ठ की बाणी ऐसी बाणी है जो सानू डिस्कशन करन दी जाच सिखाती है जो सानू समझाती है कि जो दो बंदे आपस में बैठ के गल कर रहे होण पहला असी अपने विचार देने हन ते दूजे दे विचारां नू बड़े ध्यान नाल सुनना है ते जो दूजा अपने विचार साडे सामने रखता होवे ते असी उसनू बड़े ध्यान नाल सरवण करना है पर अपने विचार देने हन ओह ध्यान नाल सुने ये डिस्कशन करन दा तरीका है पर कई बार देखिया जाता है धर्म अस्थाना ते लोग डांगा चुकी फिरते हैं एक दूसरे दियां दस्तारां नू हाथ पा रहे हैं भाव जो मैं कह रहा यही ठीक है तुहाडी गल गलत है सो सिद्धां दे नाल जिहड़ी विचार चर्चा डिस्कशन हुंदी है एक बड़ा वड्डा गुण सतगुरु पातशाह ने सानू समझा दिता कि गलबात करन दा ढंग की है जिहड़े सिद्ध हन इन्हां दे 12 पंथ सन जिवें हर संस्था हर ऑर्गनाइजेशन दे विचों कुछ ब्रांचिज बन जांदियां हन अगे तो अगे महकमे बन जांदे हन इसे तरह जो सिद्ध योगी लोग सन इन्हां दे भी अगों 12 पंथ सन ये 12 पंथ सन हेत पाम आई रामे पागल गोपाल कंथड़ी बन तवज चोली रावलदास 12 पंथ सन सिद्धां दे ते ये जिहड़े 12 पंथ सन इन्हां दे विचों सब तो श्रोमणी सब तो वड्डा पंथ सी आई पंथ ये सब तो श्रोमणी सब तो वड्डा पंथ सी आई पंथ इस पौड़ी दे विच भी तुसीं अगे जाके सरवण करोगे आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत ये आई पंथ उन्हां सिद्धां दे वास्ते नाम वरत्या गया जिहड़े सिद्ध सब तो श्रेष्ठ सब तो वड्डे सन बड़े सियाने सन इंटैलीजेंट सन ते इन्हां सिद्धां दे नाल सतगुरु पातशाह की विचार चर्चा डिस्कशन हुंदी है ते जदों असीं अपना इतिहास पढ़ते हाँ अचल बटाले जदों शिवरात्रि का मेला मनाया जाना है लोग शिवा दे विआह दीआं खुशियां मनाउण वास्ते अचल बटाले इकट्ठे होए हन ते बहुत सारे योगी सिद्ध ये पहाड़ां तो उतर के अचल बटाले हाथ की सफाई बखाण आते सन ते लोग इन्हां तो प्रभावित खुश हो के बहुत सारियां भेटावां इन्हां दे सामने रखते होंदे सन भाई गुरदास जी दीआं जदों असीं 12 पढ़दे हां ते उन्हां ने वर्णन किया मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई जदों सतगुरु पातशाह नूं पता लग्या ना कि अचल बटाले दे विच शिवरात्रि दा बहुत वड्डा मेला लगन लगा है ते सतगुरु पातशाह विशेष तौर ते उत्थे पहुंचे हन सतगुरु अचल बटाले शिवरात्रि दा मेला मनाउण वास्ते नहीं आए बल्कि उत्थे दे लोगां नूं समझाउण वास्ते आए सन ते जदों सतगुरु पातशाह ने लोगां नूं समझाया कि जो मेहनत दा पैसा तुसीं इन्हां जोगियां सिद्धां दे सामने रख रहे हो योगी सिद्ध लोग इस मेहनत के पैसे नाल ड्रग्स नशे आदि ये सब चीज़ा खरीदते हैं उन्हों का सेवन करते हैं
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੜਪਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨੇ ਸਗਲੀ ਉਲਟ ਪਈ ਲੋਕ ਆਈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਗਲੀ ਉਲਟ ਪਈ ਲੋਕ ਆਈ, ਲੱਗੀ ਬਰਸਣ ਲਛਮੀ। ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗੀ ਬਰਸਣ ਲਛਮੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਧ ਸਵਾਈ, ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਕਨੇਰੀ ਖਾਈ। ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸਰਾਂ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉੱਠ ਆਈ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਜੀ ਪਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ, ਖੁਣਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ, ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀ ਸਰਾਂ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਵੇ ਉੱਠ ਆਈ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ? ਫਿਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸਨ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ? ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁ ਚੱਜੀ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਰੂਪ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਰੂਪ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਜਿਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਨਾ ਜਾਤੇ ਉਨ ਭਾਏ, ਕੁਚੱਜੇ ਫੁੱਲ ਛੜਾਈ ਹੋਏ, ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤੱਜ ਫਿਰ ਉਨਹੋ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਪਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
फिर भंगर नाथ का भी जिक्र किया है। ये सारे लीडर सन आई पंथ दे। आई पंथ जिहड़ा जोगियां दे बारह पंथां चों सब तो श्रेष्ठ सब तो वड्डा है। उस आई पंथ के जिहड़े लीडर सन वह सतगुरु पातशाह के सामने बैठ के पातशाह नूं सवाल पूछ रहे हैं ते सतगुरु हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। पातशाह ने तो बाणी विच इत्थों तक फरमाया कहिंदे जोग ना भगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक घर बैठिया जोग पाईआ सतगुर कै उपदेश। जोग का आखरी अर्थ हुंदा जुड़ना। तो ये लोग दावा करते सन कि शरीर के मैले कपड़े पा के शरीर से भस्म मल के या चंदल का लेप सैंडलवुड का जिहड़ा पेस्ट मिलता है उसनू शरीर के उत्ते मल के परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। केसां दीआं जटावां बना लईआं जाण, हथ विच गड़वा पकड़ लिया जाए, डंडा पकड़ लिया जाए, एक जगह समाधि ला ली जाए तो उहदे नाल रब मिल जांदा है। तो सतगुरु पातशाह ने फरमाया कहिंदे मैले कपड़े पाण नाल घर घर मंगण नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है। जोग ना भगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक घर बैठिया जोग पाईआ है सतगुर कै उपदेश। जे गुरु के उपदेशों जीवन में धारण कर लिया जाए तो घर बैठिया ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सो सिद्धां दे नाल इहो जिहा विचार चर्चा डिस्कशन शुरू होंदी है। एक होर जिक्र तुहाडे सामने करदे हां अज की पौड़ी की शुरुआत करन तो पहला तां कि अज की जिहड़ी पौड़ी है सानू समझनी सौखी हो जाए। सिद्धां दे नाल जदों पातशाह की डिस्कशन होंदी है उन्होंने इतों तक पातशाह नूं कहा तुसीं दुनिया के सामने ऐसी केड़ी करामात दिखाई है जो सारी दुनिया तुहाडे मगर लग गई है। तुहाडे कोल ऐसी केड़ी शक्ति है तुसीं जिस थां ते भी जाते हो लोग इकट्ठे होकर तुहाडे सामने बैठ जाते हैं ऐसी केड़ी शक्ति तुसीं दुनिया के लोगों नूं दिखाई है। सिद्ध बोलण सुन नानका तुहे जग नूं करामात दिखलाई कुछ दिखाए असानू भी तू क्यों ढिल अवे ही लाई। सानू करामात दिखाण लग्या तुसीं ढिल क्यों लांदे हो जो करामात तुसीं सारे जगत नूं दिखाई है सानू भी दिखाओ। तो सतगुरु पातशाह का जवाब सी बाबा बोले नाथ जी असां वेखे जोगी वस्त ना काई गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। पातशाह ने फरमाया जोगीओ सिद्धो साडे कोल सिर्फ दो ही करामात हन एक संगत एक बाणी। संगत ते बाणी दे विच ऐसी शक्ति है जदों ये दो शक्तियां आपस में मिल जांदियां हन किसी मनुख का भी जीवन बदल सकदियां हन। एक संगत ते एक बाणी ये दो चीज़ां जिस मनुख के जीवन में आ गई उस मनुख का फिर जीवन बदल जांदा है। गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। साडे जीवन दे विच होर कोई ओट होर कोई शक्ति नहीं है ये दो ही शक्तियां ने साडे पास। जदों जोगियां ने देखिया ना कि सतगुरु दे कोल हर सवाल का जवाब है सिद्ध गोष्ठ जिस दे 73 पदे हन इन्हां 73 पदियां विच सिद्धां ने सतगुरु पातशाह नूं 70 सवाल पुछे हन ते पातशाह ने हर सवाल का जवाब दिता है। जदों इन्हां ने देखिया ना कि सतगुरु साडे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं ते इन्हां ने मनी मन सोचिया किन्ना चंगा होवे जे असी नानक नूं अपने वर्गा जोगी बना दईए। अज दी पौड़ी दी शुरुआत जिथे हुंदी है तुहाडे सामने अर्ज करन लगा जोगियां ने सोचिया कि उह ना असी नानक नूं अपने वर्गा जोगी बना दईए। तो सारियां ने आपस विच सलाह कीती इह किसे माड़े मोटे बंदे नूं आई पंथ दा मैंबर नहीं सन बनांदे क्योंकि आई पंथ सब तो सुप्रीम सब तो श्रेष्ठ सी जोगियां दे विचों। तो इन्होंने आप ऑफर की सतगुरु पातशाह सामने कहिंदे ने पातशाह जे तुसीं आई पंथ के मैंबर बन जाओ तो सारी दुनिया के विच जोगियां का नाम रोशन हो सकता है। तो आई पंथ का मैंबर बनने वास्ते तुहानू मुंदरां पानियां पैणगियां कन्नां दे विच मुंदरां पानियां पैणगियां। ये लोग की करते सन या तो शीशे के कुछ टुकड़े लकड़ी के कुछ टुकड़े अपने कन्नां दे विच पा लैंदे सन लम्मियां बड़ियां मुंदरां पा लैंदे सन जिवें सिखी दे विच प्रवेश करना होवे ना पौल छकनी पैंदी है हिंदू धर्म दे विच प्रवेश करना होवे ते जनेऊ धारण करना पैंदा मत्थे तिलक लाना पैंदा है बोधी रखनी पैंदी है। जे इस्लाम दे विच प्रवेश करना होवे ते सुन्नत करानी पैंदी है।
इस तरह जिसने योग मत विच प्रवेश करना है उसनू कन्ना नू पड़वा के कन्ना दे विच वड़ियां वड़ियां मुंदरा पानियां पैणगियां। जिसने कन्ना नू पड़वा के मुंदरा पा लईयां समझ लो वह योग मत विच प्रवेश कर गया। सो इन्होंने सतगुरु पातशाह के सामने ऑफर रखी। सिद्ध गोष्ठ की बाणी दे विच इस गल का वर्णन आया, दर्शन भेख करो जोगिंद्रा। जोगिंद्रा का भाव जोगियों के जेड़ा इंद्र, इंद्र का मतलब होंगे राजा, जोगियों के जेड़ा राजा पंथ है भाव आई पंथ, तुसी उहदे मैंबर क्यों नहीं बन जाते। दर्शन भेख करो जोगिंद्रा, तो आई पंथ का मैंबर बनने वास्ते मुंदरा झोली खिंथा यह तीन चीज़ां तुहानू अपने कोल रखनियां पैणगियां। मुंदरा कन्ना नू पड़वा के मुंदरा पानियां हन, झोली झोली का मतलब हुंदा सी एक बैग जो हमेशा अपने नाल रखना हुंदा सी, किते कुछ खाण नू मिलिया सारा नहीं खादा गया तो बचिया खुचिया उस बैग के विच पा दिता, अगे किते भुख लगनी तो बैग के विच समान कढ़ के फिर खा लैना। तुहानू मुंदरा कन्ना विच पवानियां पैणगियां, तुहानू अपने कोल एक झोली रखनी पएगी, ते तुहानू एक गोदड़ी एक खिंथा अपने शरीर ते धारण करनी पएगी। खिंथा इसका मतलब हुंदा सी जो भी पाटे पुराने कपड़े मिले, लीरां मिलियां, उन्हां पाटे पुराने कपड़िया नू गंढ मार के गठ मार के शरीर ते पा लेना, क्योंकि पहाड़ां दे विच बड़ी सर्दी हुंदी है या किसी ऐसे इलाके दे विच जाना है जिथे बड़ी ठंड पैंदी है उत्थे गोदड़ी तुहानू सर्दी तो बचाएगी। दर्शन भेख करो जोगिंद्रा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेवो, बारह पंथां दे विचों जिहड़ा सब तो वड्डा पंथ है आई पंथ, असीं उस आई पंथ का तुहानू मैंबर बनाने लगे हाँ। मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेवो, खट दर्शन एक पंथा। तो सतगुरु पातशाह का हुण जवाब सुनियो, जो उन्होंने कहा ना मुंदरा झोली तो खिंथा ये तीन चीज़ां तुसी अपने कोल रखनिया हन, तो पातशाह का जवाब सी अंतर शब्द निरंतर मुंदरा। पातशाह ने फरमाया कहिंदे मुंदरा तुसी कन्नां विच पांदे हो, मैं अपने कन्ना दे विच सदा ही परमेश्वर की सिफत पाना, एक परमेश्वर की सिफत मैं कन्ना दे नाल सदा ही सुनता रहना, ते परमेश्वर की सिफत नू सदा ही सुनते रहना, यह मानो कन्ना दे विच मैं मुद्रा पा लईयां हन। मैं शरीर नू तकलीफ क्यों देवां, क्यों कन्ना नू पड़वावां, क्यों वड्डियां वड्डियां मुद्रा कन्ना दे नाल लटकावां, मैं परमेश्वर की सिफत कन्ना राही सुनदा ते यही मेरी मुद्रा हन। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, तो निरंतर का मतलब है जिदे विच कदे रुकावट ही ना पए, जो अखंड चलता रहे। मैं परमेश्वर की सिफत निरंतर सुनता रहना, परमेश्वर की सिफत मेरे कन्ना दे विच सदा ही गूंज पाती रहती है, यही मेरे वास्ते मुंदरा हन। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हों, मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी। जिसने गुरु दा शब्द कन्ना दे नाल सुन लिया, जिन्हें शब्द दियां मुंदरां कन्ना विच पा लईयां, उहदे जीवन दे विचों हों मैं ममता खत्म हो जाएगी। काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, खिंथा झोली भरपुर रहिया। जदों मनुख नूं इह गल समझ आ जाए ना कि परमेश्वर सारी कायनात सारी दुनिया सारी खलकत विच वसिया होया है, फिर यह मनुख दे वास्ते खिंथा ते झोली बन जांदे हन। खिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारा एक हरी। फिर अगे सतगुरु पातशाह नूं उन्हां लोगां ने कहा, जोगी बनन वास्ते तुहानूं अपने सिर ते टोपी पानी पएगी। ये लोग अपने सिर ते एक टोपी पाते सन। इस तों इलावा इन्हां दे कोल एक काई दा आसन हुंदा सी जिसनूं असीं स्ट्रॉ मैट कहने आ। काई दा आसन यह जमीन ते बिछा के उहदे उत्ते बैठ के अखां बंद करके समाधियां लांदे हुंदे सन, ते पातशाह नूं कह रहे ने तुसीं वी एक स्ट्रॉ मैट एक काई दा आसन बना लो ते अपने कोल रखो जे तुसीं आई पंथ दे विच शामिल होना है। एक टोपी सिर ते पाणी पएगी, एक काई दा आसन अपने कोल रखना पएगा, एक लंगोट वो सदा ही अपने नाल धारण करना पएगा। ये लोग ज़्यादा वस्त्र नहीं सन पाते, एक लंगोट अपने शरीर पर पाते सन,
जिस दे नाल ए जगत नू ए मैसेज देना चाहते सन, देखो असी किन्ने वड्डे त्यागी हाँ, असी तो वस्त्रा तक का त्याग कर दिता, एक छोटा जिहा कपड़ा उहदे नाल असी अपना नंगेज ढकिया होया है। ते सतगुरु पातशाह नू जदों इहो जिहे शब्द कह रहे हन ते पातशाह फिर जवाब देंदे हन। पातशाह ने फरमाया, कहण लगे पंच भू टोपी, जिहड़े पंज तत् हन कुदरत दे, उन्हां पंज कुदरत दे तत्तां दे गुण जदों मैं दिमाग विच धारण कर लैना, यही मेरे वास्ते टोपी है। हुण कुदरत दे जिहड़े पंज तत् ने, जिवें पाणी है, पाणी दा गुण है शीतलता। मैं अपने जीवन दे विच शीतलता धारण कर लई है। धरती दा गुण है धीरज, मैं अपने दिमाग विच धीरज धारण कर लिया है। अग दा कम है मैल साड़ना, मैं अपने जीवन विच्चों विकारां दी कलख नूं साड़ लिया है। आकाश दा कम है निरलेपता, मैं अपने जीवन विच निरलेपता वाला गुण धारण कर लिया, मैं माया तो निरलेप हो गया। जदों कुदरत दे इन्हां तत्तां दे गुण मेरे दिमाग विच वस जाण, ते यही मेरे वास्ते टोपी है। टोपी तुसीं सिर ते पाउंदे हो, दिमाग ते पाउंदे हो, ते यही गुण मैं अपने दिमाग विच धारण कर लैना, ते यही मेरे वास्ते टोपी बन जाती है। पंचभू टोपी काया कड़ासन, मैं अपनी काया नूं अपने शरीर नूं काई दा आसन समझ लिया है। काई स्ट्रॉ मैट, इसनूं अग बड़ी जल्दी लगती है। ते पातशाह ने फरमाया, कहिंदे शरीर दा की पता कदों बिनस जाए, कदों नाश हो जाए, मैं इस शरीर नूं काई दा आसन समझदा। जो काई दा आसन, जो मैट तुसीं अपने कोल रखदे हो, मैनूं इह मैट अपने कोल रखण दी लोड़ ही नहीं, मैं शरीर नूं ही काई दा आसन बना लिया है। काया कड़ासन, मन जागोटी, जागोटी दा भाव लंगोट, मैं अपने मन दियां वाशनावां नूं अपने कंट्रोल विच रखिया होया, ते यही मेरे वास्ते जागोटी है। काया कड़ासन, मन जागोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल। सो सतगुरु पातशाह ने हर सवाल का जवाब दिता सिद्ध गोष्ठ बाणी दे विच इन्हां सिद्धां नूं। वख वख थावां ते सतगुरु पातशाह की विचार चर्चा डिस्कशन हुई है इन्हां नाल। टिल्ला बाल गुदाई, अचल बटाला, सुमेर पर्वत, वख वख थावां ते इन्हां सिद्धां दे नाल विचार चर्चा हुई है। ते इह विचार चर्चा पातशाह पोथी दे विच लिखदे गए। ते इह जिहड़ियां पौड़ियां हन, मुंदा संतोख शर्म पत झोली, इन्हां पौड़ियां विच वी विद्वान इह मनदे हन कि पातशाह की किते ना किते विचार चर्चा हुई होएगी सिद्धां दे नाल। सो वह विचार चर्चा नूं सतगुरु ने इन्हां पौड़ियां नूं जपजी साहिब दे विच दर्ज कर दिता। पातशाह प्रारंभ करते हैं कि मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करें विभूत। इसका पाठ करना है मुंदा बिंदी सहित, क्योंकि बहुवचनी शब्द है। मुंदा का भाव है मुंदरा। योगी बनन वास्ते कन्ना नूं पड़वा के जो कन्ना दे विच मुंदरां पाईयां जांदियां सन, उन्हां दा वर्णन जिक्र है मुंदां संतोख। जदों योगी सतगुरु नूं कहिंदे हन कि तुसीं कन्ना नूं पड़वा के मुंदरां पा लो, साडे वांग योगी बन जाओ, ते पातशाह ने फरमाया, कहिंदे जीवन दे विच जदों मनुख संतोख धारण कर ले ना, जीवन दे विच कंटेंटमेंट संतोख वाला गुण आ जाए, ते इही मनुख दे वास्ते कन्ना विच पाण वास्ते मुंदरां हन। अज मनुख का जीवन संतोखी नहीं है, मनुख बड़ा लालची है। पातशाह ने बाणी दे विच एक कुत्ते का जिक्र किया। अक्सर बंदा कहता है ना कि मरण तो बाद मनुख नूं जूना भोगनिया पैंदियां ने, मरण तो बाद बहुत जूना आदियां हन। किते पातशाह दी उपदेश बाणी विच पढ़िए तो सानूं समझ लगती है, द्वारें द्वार सुमान ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन की। बंदे की हालत ते एक कुकर एक कुत्ते वर्गी है, जो दर दर भटक रही है। लोभ का कुत्ता मनुख के अंदर भौंक रहा है, आशा त्रिशना दियां ये दो कुतियां मनुख के अंदर भौंक रही हैं। एक सुवान दोए सुवानी नाल, भलके भौंके सदा ब्याल, ज्यों सवेर तो भौंकना शुरू हो रहे हैं शाम तक भौंक रहे हैं। मनुख का अंदर कुकर बनया हो, शरीर मनुख का है पर अंदर जूना चल रही हैं। जीवन संतोखी नहीं है, हजार कमांद लखा वाल दौड़द, लखा कमांद करोड़ वाल दौड़द। जीवन के मनुख को तरक्की करनी चाहिए है,
जे मनुख हज़ार कमा के लखां वल नहीं दौड़ेगा, लखां कमा के करोड़ां वल नहीं दौड़ेगा, तो जीवन का सारा रस खत्म हो जाएगा। मनुख ने किरत करनी है, दौलत कमानी है, पर कुछ मनुखा दे जीवन विच इन्हां लालच पर जांदा है। मनुख हर जायज़ नाजायज़ तरीका वरतना शुरू कर देंदे दौलत नूं हथियाउण लई। ते ऐसे बंदे बारे पातशाह ने बाणी विच जिक्र कीता, कहिंदे सहस खटे लख कौ उठ धावै, तृप्त ना आवै माया पाछै पावै, अनेक भोग बिखिया के करै नै तृप्त आवै, खप खप मरै। खप खप मर रहे है, दुखी हो रहे है, तकलीफ दे विच है। पातशाह ने तो बाणी विच इथों तक फरमाया, कहण लगे जिवें अग दे विच लकड़ साड़ी जाइए अग दी भी कदे भुख मिटी है। भावें हजारा मन लकड़ अग दे विच पा दईए तां वी अग दी भुख नहीं मिटणी। इसे तरह दुनिया भर के पदार्थ इकट्ठे करके भी मनुख दा मन नहीं रजदा। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, भूमन का मतलब है जिहड़े जमीना दे मालक हन। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, ताकि तृष्ण ना बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना सूझी, बिखिया मैं के नहीं तृप्त ना पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं तरापै। जिवें अग दे विच तुसी ईंधन पाओ, लकड़ पेट्रोल डीजल पाई जाओ, उसकी प्यास उसकी भुख भी कदे मिटी है। ज्यों पावक ईंधन नहीं तरापै, बिन हर कहां अगाई, बिना हरी तो बिना परमेश्वर तो बिना शपति विचार तो मनुख का मन राजी नहीं सकता। एक बार जिक्र किया, एक बाल्टी का तला नहीं, जिस बाल्टी का तला ही ना हो, उस बाल्टी के पानी पाई जाओ, पानी पाई जाओ, तुम उत्तों पा रहे हो, वह थलों निकल रहा है। बाल्टी तो ताही भरेगी ना जो बाल्टी नूं तला लगा होगा। इस तरह उस मनुख का मन भरद जिस मनुख के मन रूप बाल्टी नूं संतोख का तला लगा हो। जे मन नूं संतोख का तला ही नहीं, तुसी जिन्ना मर्जी भरी जाओ, जिन्ना मर्जी भरी जाओ, मन कदे भी नहीं भरेगा। भुखियां भुख ना उतरै, गली भुख ना जाए, नानक भुखा तां रजै जां गुण कै गुणी समाए। जदों परमेश्वर के गुणा नूं गांदिया गांदिया उसके गुणा का रूप हो जाएगा, तो मनुख के मन की सारी भुख मिट जाएगी। सो सतगुरु पातशाह जी जिक्र करते हैं, कहण लगे तुसी मैनू कहिंदे हो कि योगी बनन वास्ते कन्नां दे विच मुंदरां पाणियां पैणगियां। मैं जीवन दे विच संतोख धारण कर लिया है, मैं संतोख दियां मुंदरां अपने कन्नां दे विच पा लईआं हन। जी गुरु जी, भाई साहब जी, आप जी जिक्र कर रहे हो एक पासे योगियां दे जीवन बारे, एक पासे गुरु पातशाह दे उपदेश बारे। जी, योगियों का जिन्ना भी रहना बहना रहनी बहनी असी कह लीए, वो सारी रहनी बहनी बाहर वल ज्यादा जोर सीगा। अगर मुंदरा पानिया तो शरीरिक जिन्या भी धारणा वेशभूषा वल ज्यादा जोर सीगा, या बाहरली कर्मकांडा वल ज्यादा जोर सीगा। गुरु नानक पातशाह ने अंदर दी मुंदरा दे बारे जिक्र किया, दोनों दे विच फर्क थोड़ा जा होर खोल के समझा दे। बिल्कुल, बड़ा सोहना विचार वीर जी उन्होंने दिता है कि जो योगी सन वो ये देख रहे सन कि असी अपने शरीर से किहो जिहा शिंगार कर सकते हैं, असी कन्नां दे विच की पाना है, शरीर से की पाना है, अपने कोल किहो जी गोदड़ी रखनी है, की खाना है, किहो जिहा प्राणायाम योग अभ्यास करना है। उन्हां दा ध्यान सिर्फ इस गल वल सी, जिहड़े अंतरमुखी गुण सन जिवें संतोख, निम्रता, धीरज, दया, प्यार, इन्हां शुभ गुणा तो ये लोग सखणे सन, वांझे सन। थोड़ी जी गल ते इन्हां नूं गुस्सा आ जांदा सी, दूजियां नूं शराप देण दा डरावा देंदे सन, कदे किसे नूं वरदान दे रहे ने, कदे किसे नूं शराप दे रहे हन। इहो जिहियां गल्लां दे विच इह लोग उलझे होए सन, ते सतगुरु पातशाह ने इहनां नाल जा के गलबात कीती। विशेष तौर ते पातशाह कदे पहाड़ां ते जा रहे ने, कदे अचल बटाले शिवरात्रि का मेला लगा होया सी, इन्हां सिद्धां दे नाल विचार चर्चा करन वास्ते जा रहे ने, तां कि इन्हां लोगां नूं इह छोटी जिही गल समझ आ जाए कि धर्म शरीर का पहरावा नहीं है। धर्म का मतलब है मनुख अपने फर्जा नूं पछाण ले, देवी गुणा नूं अपने जीवन विच धारण कर ले। जदों मनुख दे जीवन विच गुण पैदा होणगे ते मनुख समाज का भी कुछ भला करेगा। हुण इह लोग पहाड़ां दे विच बैठे सन, कन्नां दे विच मुंदरां पा के, कोल गोदड़ी छिंथा धारण करके, हथ विच गड़बा, हथ विच डंडा पकड़ के, पैरां विच खड़ावां पा के समाज का की भला कर रहे सन। समाज विच करप्शन सी, बलात्कार सन,
समाज के मजलूम दुख दिते जा रहे सन, गरीबों का हक मारिया जा रहा है। इन्हां जोगियों को कोई फर्क ही नहीं सी पैंदा, यह पहाड़ां ते बैठ के योग अभ्यास प्राणायाम करते सन, कन्नां दे विच मुंदरां पाते सन। पातशाह विशेष तौर पर पहाड़ों में गए, विशेष तौर पर अचल वटाले गए ताकि इन्हां लोगों को यह गल समझाई जा सके, तुसीं समाज में रहिंदे हो तो समाज का भला करन दी जाच भी तुहानूं आनी चाहीदी है। तुसीं अपने आप नूं इन्ना सियाणा कहिंदे हो, तुसीं लोग कहिंदे हो कि असीं आई पंथ दे मैंबर हाँ, जिहड़ा आई पंथ जोगियां दा सब तो वड्डा पंथ है, सब तो सियाणे सिद्धां दा पंथ है। जे तुसीं इन्ने सियाणे हो तो शरीरक कर्मकांडां शरीर के पहराव्यां वल तुसीं इन्ना ध्यान देंदे हो, तुसीं अपने जीवन दे विच गुण नहीं धारण करदे, समाज दा कुछ भला नहीं करदे पए। सो सतगुरु पातशाह ये चीज़ां इन्हां लोगों नूं समझा रहे हैं, तो जो विचार पातशाह जोगियां दे नाल कर रहे ने, संतोख जीवन में धारण करना है, निम्रता जीवन में धारण करनी है, ये उपदेश सिर्फ जोगियों वास्ते नहीं साडे सारियां वास्ते हैं। पातशाह ने फरमाया मुंदा संतोख, तुसी कन्नां दे विच मुंदरां पाते हो, मैं संतोख दियां मुंदरां पा लईयां हन। शर्म पत झोली, इत्थे पाठ शर्म नहीं करना, शर्म ससे नूं थोड़ा जिहा नखेड़ के रारे ते मम्मे नूं कठियां करके, शर्म शर्म हिंदी का शब्द है, शर्म का मतलब होंदा है मेहनत मुशक्कत। पातशाह ने फरमाया कहिंदे तुसी घर घर जाके मंगदे हो, तुसी मेहनत मुशक्कत क्यों नहीं करदे, तुसी लोग किरत क्यों नहीं करदे। पातशाह ने एक बड़ा सौखा जिहा सवाल इन्हां लोगों नूं पुछिया सी। पातशाह ने फरमाया सिद्धो मैनू एक गल का जवाब दो, जदों तुहानू सर्दी लगती है तुसी की करते हो। इन्हां जवाब दिता पातशाह, ये गृहस्थी लोग बड़े चंगे हैं, ये फैमिली वाले जिहड़े लोग ने असीं इन्हां दे कोल जांदे हाँ, तो इन्हां नूं कहिंदे हाँ सर्दी का मौसम आ रहा है, सानूं गर्म कपड़े दे दिओ, ये सानूं गर्म कपड़े दे देंदे हन। पातशाह ने कहा जदों तुहानू भुख लगती है फिर तुसी की करते हो। इन्हां आख्या पातशाह जिवें असीं कपड़े लैण वास्ते जांदे हाँ उवें असीं भोजन लैण वास्ते चले जांदे हाँ, भुख लगती है इन्हां नूं कहिंदे हाँ सानूं भोजन दिओ। सतगुरु ने हुण अगला सवाल किया, पातशाह ने कहा जदों तुहानू भुख लगती है इन्हां गृहस्थियां दे दरवाजे ते जाके तुसीं प्रशादा छक लैंदे हो, जदों तुहानू गर्म कपड़ियां दी लोड़ पैंदी है तुसीं गृहस्थियां दे कोल जाके गर्म कपड़े भी लै लैंदे हो, तुसीं इह दसो पहाड़ां दे विच बैठ के जिहड़ा तुसीं तप कर रहे हो भगती कर रहे हो, तुसीं इस भगती दे विचों कुछ हिस्सा इन्हां गृहस्थियां नूं भी दोगे। सारे ते विच्चों एक बंदा बोलिया कहिंदा साडी भगती साडा जप तप असीं अपनी भगती दे विच्चों इन्हां नूं हिस्सा क्यों दईए। पातशाह ने कहा तुसीं तां बड़े अकिरत कण लोक हो, ओह लोग अपनी किरत कमाई दे विच्चों तुहानूं गर्म कपड़े देण, ओह लोग अपनी किरत कमाई विच्चों तुहानूं भोजन देण, ते तुसीं अपने जप तप दे विच्चों इन्हां नूं कुछ भी नहीं देणा, तुसीं तां बड़े अकिरत कण लोक होए। जे तुहाडा पंथ इन्ना ही चंगा है, इन्ना ही महान है, जे सारी दुनिया तुहाडे पंथ तों तुहाडे धर्म तों प्रभावित हो के तुहाडे वांग बन जाए, कौन पकाएगा ते कौन किनू खवाएगा, सारी दुनिया ही फिर मंगण लग जाएगी। कुदरत दा जिहड़ा विकास है, नवें जीव इस जगत विच आ रहे हन, वह तो इस जगत विच पैदा होने ही बंद हो जाएंगे जे सारे लोग तुहाडे वांग ब्रह्मचारी बन के जंगलों के भगती करन लग पए। बिंद राख जो तरिया भाई खुसरा क्यों ना परमगत पाई, जिहड़ा खुसरा है जिहड़ा है जो गृहस्थी जीवन दे योग नहीं, वह तो कदों का ब्रह्म ज्ञानी बन जाता भगत बन जाता, क्योंकि उसने तो गृहस्थी जीवन का सुख ही नहीं माणिया। सो सतगुरु पातशाह इन्हां लोगों को यह गल समझा रहे हैं, आत्मिक जीवन के विच गुण पैदा करना चाहते हैं। पातशाह ने फरमाया शर्म पत झोली, तुसी मेहनत मुशक्कत क्यों नहीं करते, तुसी किरत क्यों नहीं करते, तुसी किरत करके अपनिया जरूरतां लोड़ां पूरियां करो, परिवारां विच रहो, परिवार दियां जरूरतां पूरियां करो, तुसी जंगलां दे विच की कर रहे हो। ते अगो जवाब देंदे ने सतगुरु असी अपने भगवान नूं परमेश्वर नूं लभण वास्ते आए हाँ। ते पातशाह ने फरमाया जदों तुसी अपने परिवारां नूं छड्ड रहे सी कि उस वेले तुहाडे माता पिता ने तुहानूं रोकण की कोशिश की, तुहाडे बच्चियां ने तुहाडी पत्नी ने तुहानूं रोकण की कोशिश की। अगों कहिंदे हन पातशाह साडी पत्नी तां रोंदी रही, बच्चे विलकदे रहे, बजुर्गां ने भी साडे अगे बड़े तरले किए, साडे अगे हथ जोड़ दिते कि तुसी सानूं छड्ड के क्यों जा रहे हो,
पर असी किसी की परवाह नहीं की, असी रब न लभण वास्ते जंगलों में आ गए हाँ। तो सतगुरु पातशाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। पातशाह ने कहा जिसनों छोटे छोटे बच्चों के रब नहीं ना नज़र आया, जिसनों हाथ जोड़ते माता पिता चो रब नहीं नज़र आया, जिसनों रोंदी हुई पत्नी चो रब नहीं नज़र आया, वह जंगल दिया झाड़िया के कठोर पत्थर के सप्पा होर जानवरों के की रब लभ लाएगा। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगा बैसण पाइए, कहो नानक बाह लुडाइए है। सो धर्म की दुनिया के कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिहड़ा गृहस्थी जीवन नू छड़ के कोई वखरा डेरा बना के बैठा होवे, जिहड़ा परिवार तो दूर होवे ते दावा करता होवे कि परिवार तो दूर रह के ही परमेश्वर की प्राप्ति होंदी है, उन्हां लोगों तो असी सदा सुचेत रहना है, सावधान रहना है जी। वीर जी जी श्रम की गल आई है और जी गृहस्थी की गल आई है कि अज के साडे अपने अगर असं सिख समाज देखिए तो साडा एक तबका जरा कि अपने आप को निहंग खिलाता है जी, और उसका फिर की उचित रह जाता है जी। जी बिल्कुल, ये जरा संदेश उन्होंने वास्ते नहीं है जी। ए जरा सतगुरु पातशाह योगियों सिद्धा उपदेश दे रहे हैं, ये तमाम उन्होंने लोगों के वास्ते है जो शरीर ठीक होने के बावजूद भी लोग घर घर जाके मंग रहे हैं, भावें वह निहंग सिंह क्यों ना हो जो गुरुद्वार के बाहर बैठ आते जाते मनुखा पासों संगत पासों कुछ रुपया की मंग करते हैं। ये उपदेश उन्होंने सारे वास सारिया वास्ते है जेडे घर घर जाके मंग रहे हैं, जेडे धर्म अस्थाना जाके मंग रहे हैं। पिछे जे मार्केट के मैं आप देखिया दो निहंग सिंह वो हर दुकान पर जा रहे हैं तो कहते हैं लंगर लाना है सानू माया की जरूरत है। जो तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि लंगर लाना है, लंगर लाने वास्ते सानू माया की लोड़ है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहे सर भले हो तुम मार्केटा के बाजारों के हर दुकान पर जाके मंग के क्यों सतगुरु पातशाह की तौहीन कर रहे हो। सतगुरु पातशाह ने जो निहंग एक पंथ सिरजिया सी, एक ऐसा सिख सिरजिया सी जो हाथ में शमशीर पकड़ के दुश्मन के नाल लड़ता है, निहंग तो किरती होंदा है परिवार वाला होंदा है, तुसीं इत्थे बाजारां मार्केटां दे विच मंग के क्यों सिख का सिर नीवा कर रहे हो। तो अगों जवाब देंदे हन कि सारी दुनिया सारी कायनात सारी कुदरत मंग रही है। मैं पूछिया कुदरत विच कौन कौन मंग रहा है, तो अगों आखते हैं कहते पंछी मंग रहे हैं जानवर मंग रहे हैं, यहो जिहियां फजूल गल्लां फिर वह करन लग जाते हैं। सो इन्हां लोगों तो सानू सावधान रहने की लोड़ है जिहड़े लोग घर घर जाके मंगते हैं। पातशाह ने तो बाणी विच इत्थों तक फरमाया कहिंदे कोई व्यक्ति जिहड़ा अपने आप नूं गुरु कहिंदा होवे, अपने आप नूं संत महात्मा कहिंदा होवे, अपने आप नूं निहंग या योगी कहिंदा होवे, अपने आप नूं धर्म नाल जोड़दा होवे ते घर घर जाके मंगदा भी होवे, ऐसे बंदे दे कदे मथे नहीं लगना चाहीदा। ये सतगुरु पातशाह ने बाणी विच फैसला दिता गुर पीर सदाए मंगण जाए, जिहड़ा गुरु पीर सदांदा होवे ते घर घर जाके मंगदा भी होवे, गुर पीर सदाए मंगण जाए तां कै मूल ना लगियां पाए, ऐसे मनुख दे फिर मथे नहीं लगना चाहीदा, किसी तरह की सांझ नहीं रखनी चाहीदी। सो सतगुरु पातशाह जी जिक्र कर रहे हैं कहिंदे शर्म पत झोली, हुण इत्थे पत शब्द आया, पत शब्द नूं समझियो। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ना पत शब्द दे तीन स्वरूप आए हैं, पत दे तत्ते नूं औंकड़, पत दा तत्ता मुक्ता ते पत दे तत्ते नूं सियारी। इत्थे जिहड़ा पत शब्द आया पत दे तत्ते थले औंकड़ लगी हुई है, यह पत शब्द संस्कृत भाषा विचों आया है। पत दे तत्ते नूं जदों सियारी लगी होवे ना ते उत्थे अर्थ बनदे ने पति खसम मालक प्रभु, पति तो पत शब्द बने जिथे तत्ते नूं सियारी लगी होगी। ते जदों पत दे तत्ते थले अंकड़ होवे ना, ये भी संस्कृत लैंग्वेज का शब्द है, इसका मतलब है पात्र भांडा। ये योगी लोग अपने नाल हर वेले एक गड़वा नाल लैके चलते सन, जिथे भी इन्हां नूं कोई गृहस्थी मिलिया उहदे सामने गड़वा कर दिता कि इहदे विच कुछ पा दिओ भुख लगी है, दरियावां चों गड़बे भर के ये पानी पीते होंदे सन, किसी कोलों कुछ मंगना होवे उहदे सामने गड़वा अगे कर दिता। तो सतगुरु पातशाह ने समझाया कहण लगे शर्म पत झोली, इत्थे पत दा भाव है गड़वा,
ਤੇ ਜੇ ਪੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗੜਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਝੋਲੀ, ਝੋਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਵਿਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਾਹ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਹ, ਠੰਡੀ ਸਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਵਾਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਕਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦਰੋ ਹਰਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਬਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤੇ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੇਂਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਖੇਂਥਾ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ, ਤੇ ਖਿੰਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ। ਖਿੰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੰਥਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਮ
आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना सा चल रहे ने उस परमेश्वर की नजर बख्शिश के नाल जदों सुवास पूरे हो जाने हैं मैं इस जगत तो चले जाना है मौत नू हर वेले याद रखना यह मनुख दे वास्ते खिंथा है खिंथा काल। ते अगे जिक्र करते हैं कुआरी काया जुगत जुगत का मतलब है जोग की रहत। ये जोगी लोग बड़ी रहत रखते होंगे सन इन्हों का एक अपना डिसिपलिन सी इन्हों ने एक अपना मर्यादा बखरी बनाई हुई सी इन्ने बजे सवेरे उठना है इन्ने घंटे चौंकड़ी मार के प्राणायाम योग अभ्यास करना है सह अंदर बार करना है जिन्हों अनुलोम विलोम अजकल बाबा रामदेव करा रहे हैं ये सब योग अभ्यास करना है इन्ने घंटे चौंकड़ा मारना है इन्ने घंटे ये वाला आसन लाना है ये चीज़ा खानिया हैं ये चीज़ा नहीं खानिया योजना गलों के लोग उलझे हुए सन मानसिक तौर पर कोई गुण अपने विच पैदा नहीं सन कर रहे। तो सतगुरु पातशाह ने फरमाया कुआरी काया जुगत तुसी कहिंदे हो कि जोग दी सब रहत रखनी पैंदी है मैं भी एक रहत रखी हुई है कुआरी काया। कुआरी काया का मतलब है मैं अपनी काया नू मैं अपने शरीर नू विकारां तो बचा के रखिया होया है मेरे शरीर का विआह विकारां दे नाल नहीं होया मेरा शरीर कुआर है मैं अपने शरीर नू विकारां तो बचा के रखिया होया सो इस तरह मेरी काया कुआरी रहिंदी है कुआरी काया जुगत। ते शरीर नू विकारां तो बचा के रखना ये मेरे वास्ते जोग दी रहत है। डंडा प्रतीत ते प्रतीत का भाव है विश्वास भरोसा। एक अकाल पुरख परमेश्वर ते विश्वास करना एक परमेश्वर नू छड़ के किते होर ना जाना। कई बार मनुख कहिंदा है ना मैनू ये दात नहीं मिली गुरु मैं इन्नी सेवा की है मैं इन्नी बार गुरुद्वारे आया इन्नी बार पाठ किया ये दात अजे तक मैनू क्यों नहीं मिली ते बंदा फिर होर थावां ते जाना शुरू कर देंदा है। सतगुरु पातशाह ने फरमाया तेरा परमेश्वर ते विश्वास नहीं एक परमेश्वर ते एक गुरु ते विश्वास करना यह मानो हाथ दे विच डंडा पकड़ना है। डंडा प्रतीत ते पातशाह ने फरमाया तुसी लोग कहिंदे हो कि असी आई पंथ वाले हाँ वो पंथ जिहड़ा जोगियां दे विचों सब तो वड्डा पंथ है। पातशाह ने कहा उस दिन मन्नांगे तुसी आई पंथ वाले हो। आई पंथी सगल जमाती जमाती का मतलब है जिवें क्लास विच जमात विच पढ़न वाले बच्चे सारे कट्ठे बैठते हैं तो उन्होंने बच्चों के विचों कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं टीचर नू सारे बच्चे प्यारे होंदे हैं। पातशाह ने फरमाया कहिंदे उस दिन मन्नांगे तुसी आई पंथ वाले हो जिस दिन तुसी सारे संसार नू अपनी जमात का मैंबर समझोगे जिस दिन तुहाडे अंदर यह एहसास पैदा हो जाएगा कि सारी दुनिया उस परमेश्वर ने सिरजी है यह सारी दुनिया एक परमेश्वर की बनाई हुई है ना असी उच्चे हाँ ना फलाना नीवें जदों सारी कुदरत नू तुसी बराबर समझोगे अखां दे नाल सब नू बराबर देखोगे फिर मन्नांगा तुसी आई पंथ वाले हो। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत ते जिस दिन तुसी अपने मन नू जितया ना अजे तक तां तुसी सिर्फ शरीर के पहराव्यां तक सीमित हो जिस दिन तुसी अपने मन नू जित लिया समझ लो तुसी जगत नू जित लिया। ते मन जीते जग जीत दे प्रोफेसर साहिब सिंह जी अर्थ करते हैं कि जिस मनुख ने अपने मन नू जित लिया ना फिर वह माया के प्रभाव विच पै के परमेश्वर तो नहीं विछड़दा परमेश्वर तो ना विछड़ना ही मन नू जितना हुंदा है जगत नू जितना हुंदा है। मन जीते जग जीत ते सतगुरु पातशाह ने फरमाया जे तुसी अपने जीवन की बाजी जितना चाहते हो जे कूड़ की कंध अपने अंदरों तोड़ना चाहते हो जे परमेश्वर के नाल सांझ पानी चाहते हो ते होर थावां नू छड़ के होर चीज़ां नू छड़ के कर्मकांड भुलेखिया नू छड़ के आओ सारे रल मिल उस परमेश्वर दे अगे नमस्कार करिए जिहड़ा सारे संसार का मालक है। आदेश तिसे आदेश उस परमेश्वर अगे आदेश नमस्कार जिहड़ा सारे संसार का मालक है सिर्फ उहदे अगे झुकना है। आद अनील अनाद अनाहत आद का मतलब है जो सब का मुढ़ है सब की शुरुआत है। अनील अनील का मतलब है जिसनों कलंक नहीं लगता जिहड़ा पवित्र स्वरूप वाला है जिहड़ा मैला नहीं हुंदा। ते जे साडा परमेश्वर अनील है
असी भी अपने जीवन नूं विकारां दी कलक तों बचा के रखना है, असी भी अपने मन नूं पवित्र रखना है। पर अज असी शरीर नूं तां पवित्र समझदे हां, शरीर की पवित्रता वल बड़ा ध्यान देने हाँ, मन की पवित्रता के वल असी बिल्कुल भी ध्यान ना दिता। इसलिए लोग अज भी तीर्थां ते लखां की गिणती भी जा रहे ने, नहा रहे ने, सोच रहे ने शायद मन की मैल उतर रही है। सतगुरु पातशाह ने फरमाया कि परमेश्वर कलंक रहित है, अनील है, तो असी भी अपने मन नूं विकारां दी कालक तो बचा के रखना है। अनाद, अनाद शब्द अन आद तो बने है। अन आद का मतलब ऐसा प्रभु, ऐसा परमेश्वर जिसका आद ही कोई नहीं है। कोई दस ही नहीं सकता कि परमेश्वर की शुरुआत कितों हुई है, उसका कदों प्रारंभ होया सी। ते अगे फरमाया अनाहत, अनाहत शब्द संस्कृत शब्द विच्चों आया है। अन आहत, आहत का मतलब होंदा है नाश करना, ते अन आहत का मतलब है जिसका नाश ही ना किया जा सके, जिसनों मारिया नहीं जा सकता। ते जे परमेश्वर की कदे मौत नहीं होंदी, असी भी आत्मिक जूना तो सदा बच के रहना है, आत्मिक मौते नहीं मरना, ते आत्मिक जीवन सानू उदों तक मिलता रहेगा जदों तक असी गुरु शब्द नाल जुड़े रहांगे। अनाहत जुग जुग एको वेस, परमेश्वर जुगां जुगां तो एको ही स्वरूप वाला है, वह बदलता नहीं है, उहदे उत्ते समय का प्रभाव नहीं पैंदा। ते पातशाह ने फरमाया आओ सारे रल मिल उस परमेश्वर अगे आदेश नमस्कार करिए जिहदे विच इहो जे गुण हन। तुसीं शरीरक कर्मकांडां तो उत्ते उठ के आत्मिक तौर पर जिहड़े गुण हन उन्हां अपने जीवन दे विच धारण करो। सो सतगुरु पातशाह बख्शिश करन, पौड़ी नंबर 28 जिसकी विचार अज सांझ पाई है, ये जिहड़ी विचार है साढ़े सारियां दे हिरदे च वसे, ये गुण असी अपने जीवन दे विच धारण कर सकीए। इन्हीं क बेनतियां प्रवान। इस तों इलावा कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तुहाडे मन विच होवे तुसीं पुछ सकदे हो। अज की पौड़ी बाबत कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जे तुहाडे विचों किसी ने पुछना होवे तुसीं पुछ सकते हो, ते गुरबाणी की रोशनी दे विच असीं उसका हल लभण की कोशिश करांगे। फिर तो यू गल थोड़ी होर खोल के समझा दो, अंतरमुखी ते बाहरमुखी। हाँ जी, क्योंकि असी बाहरमुखी जीवन तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ऐसी गल नूं थोड़ा जिहा होर विचार करके खोल के समझा दिओ। असी बाहरले कर्म कांडा वल बहुत प्रभावित हो जाते हैं और असल भेद नूं जान नहीं पाते, वह भी सानू सच लगन लग पैंदा है जी। कि बाहरमुखी जिहड़े कर्म कांड हन वह भी सानू सच दिसन लग पैंदे है, उन्होंने होर बरीकी होर खोल के दस जी। वीर जी उन्होंने सांझ पाई कि अंतरमुखी ते बाहरमुखी बिरती की है। कुछ थावां ते दास ने देखिया है कि मैनेजमेंट कमेटी या कई बार संगत विचों कुछ सज्जन वह इस गल ते इतराज करते हैं कि फलाने सरदार जी ऑफिस जा रहे सन ते गुरुद्वारे आए ने, इन्हां दी टाई लगी हुई है, इन्हां ने अपनी दाढ़ी बन्नी हुई है, पेंट शर्ट पाई हुई है, सूट पाया होया है, तो सतगुरु पातशाह की ताबिया बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब च हुक्म किवें लै सकते हैं, ये बाणी विच नहीं हैं। तो सिख रहित मर्यादा इस गल का जिक्र करती है कि साढ़े कोल पंज ककारी रहित होनी चाहिए है। इस तों इलावा असी शरीर के उत्ते जिहो जिहा मर्जी पहरावा पाइए, भावें पेंट शर्ट पाइए, भावें कुर्ते पजामा पाइए, भावें किसी देश में किसी तरह का पहरावा शरीर से धारण करिए, सतगुरु पातशाह की बाणी पढ़ी जा सकती है, इसका वहम नहीं करना। तो दाढ़ी बनने वाली जिहड़ी गल है, इसका जिक्र भाई कान सिंह नाभा ने गुरमत मारतंड विच कीता है। वह जिक्र करते हैं कि दाढ़ी बनने का जिहड़ा रवाज है ना, यह महाराजा पटियाले वालों शुरू किया गया सी। ते जिवें असी अपने सिर के केसां नूं जूड़ा बना के उन्हां दी संभाल करते हैं, सिर के केसां नूं असी खोल के नहीं रखते, जिवें सिर के केसां दा जूड़ा बना के उन्हां दी संभाल करते हैं, सोहनी दस्तार सजाते हैं, इस तरह दाढ़ी के जिहड़े केस हैं उन्हां नूं भी बन्निया जा सकता है। भावें दाढ़ी नूं खुला रखिए ते भावें बन्नीए, दोवें प्रवान हन। तो दाढ़ी बनने दे विच किसे तरह की भी केसां की बेदबी नहीं है। सो ये जिहड़ियां गल्लां हन ये कई बार बहुत वड्डा झगड़ा कलेश खड़ा कर देंदियां हन गुरुद्वारियां दे विच। ते कई बार कुछ सज्जन ये इतराज़ करते हैं कि फलाना बंदा सतगुरु की ताबिया बैठ गुरबाणी का पाठ नहीं कर सकता, फलाना बंदा सतगुरु पातशाह की ताबिया बैठ चवर की सेवा नहीं कर सकता। असी सिखी नूं
ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਨਿਮਰਤਾ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੇਸ ਹਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਕਾਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਕੰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਉੱਚ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, 70 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ
जो सिखिया बाद दी जीवन पता लगता है उन्होंने मनिया भी, लेकिन आज दी तरीके च असी सीखन नू तैयार नहीं, सिर्फ असी उपदेश देन नू तैयार हाँ सारे। कई बार तो बड़ी हैरानी हुंदी है कि वह जोगी वह सिद्ध जिन्हों का जन्म सिख परिवारों के नहीं होया, या जिहड़े लोग उन्हां कोल जाके भेटावां चढ़ाते सन उन्हां दा जन्म सिख परिवारां विच नहीं सी होया, दूर दूर तक उन्हां दा सिखी नाल कोई संबंध नहीं सी, पर सतगुरु पातशाह ने अचल बटाले दे विच जदों पहले दिन उपदेश दिता ना, सारे सिद्ध उत्थे दे सारे लोग इकट्ठे हो के सतगुरु पातशाह दे सामने बैठ गए सन, क्योंकि वह लैण नूं तैयार सन। ते साडा ते जन्म ही सिख परिवारां दे विच होया है, साडे जीवन दे विच फिर भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए नहीं चेंज आ रहा क्योंकि असी सतगुरु पातशाह की गल सुनने वास्ते तैयार ही नहीं हाँ। एक पिता एक माँ अक्सर समाज के चार बंदियां विच बैठ के एक शब्द कहती है कि साडा बच्चा साडे कहने तो बाहर है, साडा बच्चा साडी गल नहीं सुनता, साडे कहने तो बाहर है। उस माता पिता को कितना दुख लगता होगा जिहड़ा समाज के चार बंदियां सामने ये शब्द कह रहा कि साडे बच्चे साडे कहने तो बाहर हैं, कि सतगुरु पातशाह इस गल की विचार नहीं करते होणगे, इहदा तो जन्म ही सिख परिवारां दे विच होया है ते ये सतगुरु की गल ही नहीं सुन रहा, कहने तो बाहर है। सतगुरु पातशाह की विचारते होणगे, एक माता पिता से की गुजरती होगी जिसके बच्चे उसके कहने तो बाहर चले जाण, ते सतगुरु पातशाह की इस गल की विचार नहीं करते होणगे कि इनी महान विचारधारा जो दूजिया कौमां नाल संबंधित लोगों ने जिन्हों का दूर दूर तक सिखी नाल कोई संबंध नहीं सी, उन्होंने आके इस महान विचारधारा नूं ग्रहण किया, तो अज सिख परिवारों के जन्म लैण वाला ही मनुख सतगुरु पातशाह की इस विचारधारा नूं जीवन के ग्रहण करन नूं तैयार नहीं है। इस गल की सानूं विचार करनी पएगी जी। सर साडी कौम का कुछ थोड़ा जिहा मिसफॉर्चून नहीं हैगा कि असी अज देख लीए तो बैठी संगत के रूप से भी देखिए असं कि अपने बच्चों प्रति सावधान है कि बच्चों प्रति एकाग्र हाँ जी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ का। मेरी शॉप हैगी सी आजाद मार्केट और उत्थे एक मोमडन लेडी आई, बड़ी हाई फैमिली तो बिलोंग करती सी, उसकी बेटिया सी जिहड़ी क्वीन मैरिज स्कूल पढ़ रही थी, शी वाज इन एट स्टैंडर्ड, और एक उस छोटी बच्ची सी साढ़े चार साल की। तो मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या बेटे आपने कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? तो वो माँ ने जो मैंने जवाब दिता ना, वो साड़ी पूरी कौम की मावा को वो जवाब सुनना चाहिए। वो कहती अभी इसकी कुरान पूरी नहीं हुई है, जिस दिन इसकी कुरान पूरी हो जाएगी उस दिन हम इसको फॉर्मल एजुकेशन में डालेंगे। मतलब हुण असीं अपने अंदर झाकीए कि असीं अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देने वास्ते कितनियां मेहनत करते हैं। साडे इत्थे दे परिवार सामने साडे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उत्थे बच्चे आणगे उहनां दे, लेकिन इत्थे कथा विचार दे अंदर अपना बच्चा लैके आना कोई समझदा ही नहीं, लोड़ ही नहीं हैगी जी। बिल्कुल, इस नूं असीं सेकेंडरी चीज़ समझिया होया है। जदों असीं गुरबाणी विचार नूं प्राइमरी चीज़ समझांगे, अपने बच्चियां नूं गुरबाणी विचार नाल जोड़ांगे, तो कल नूं कोई सिख बच्चा किसी पोस्ट ते काम करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई उसनूं आके पुछेगा तुसीं कौन हो, वो ये दसण तो पहला कि मैं इंजीनियर हाँ मैं डॉक्टर हाँ, वो ये कहेगा मैं गुरु का सिख हाँ। सो सानू बच्चियां दे विच ये जज्बा पैदा करना पएगा, बचपन तो ही उन्हां नू गुरबाणी विचार नाल शब्द विचार नाल इतिहास नाल जोड़ना पएगा, कीर्तन कथा नाल जोड़ना पएगा, तां कि बच्चा वड्डिया हो के कुछ भी बने पर अंदर एक सिखी का जज्बा जरूर होवे, समाज भलाई का जज्बा जरूर होवे, वो जिथे भी जाए अपना भी भला करे ते समाज का भी भला करे, ते सतगुरु पातशाह का जो संदेश है मैसेज है उसनू घर घर तक पहुँचाए जी। पिछे मातावां वालों कोई सवाल कोई क्वेश्चन कोई अपने विचारां दी सांझ पाना चाहे समाप्ति करिए। सो सतगुरु पातशाह बख्शिश करन, अज दे प्रोग्राम दी इत्थे ही समाप्ति है, होईयां विचारां साडे सारियां दे हिरदे वसण। सो इसे तरह आप सारियां ने वध चढ़ के हाजरी भरनी है, अज दे प्रोग्राम तुसीं सारियां ने सरवण कीता है, कुछ नवे चेहरे उन्हां दे भी दर्शन करन दा अज सुभाग प्राप्त होया है। सो इसे तरह इस प्रोग्राम दे विच तुसीं वध चढ़ के हाजरी भरिया करो, जिवें भी प्रबंधक सज्जणां वल्लों टाइम सैट किया जाता है, संगत में अनाउंसमेंट होती है, तुसी सारे हाजरी भरिया करो, तो जो भी थोड़े मनां विच सवाल हैं क्वेश्चन हैं वो बेझिझक
पूछया करो क्योंकि असी इतने सारे एक फैमिली की तरह बैठे हाँ। तो जिहड़ा भी तुहाडा क्वेश्चन सवाल हुंदा वह गुरबाणी की रोशनी दे विच असी विचारन की कोशिश करते हैं। सो इनी एक बेनतियां प्रवान फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की